स्वागत है आप सभी के इस नए वीडियो में। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं, यूपीएससी ने जो है वो अपनी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी है कल से, और जो लास्ट डेट रखी है वो 24th ऑफ मार्च रखी है यूपीएससी ने। तो काफी लोग जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करने में। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि साइट पे काफी ज्यादा बर्डन आ चुका है, क्योंकि एक ही दिन में काफी लोगों ने जो है वो फॉर्म फिल करना चाहा, लेकिन कुछ लोगों का हुआ और कुछ लोगों का नहीं हुआ। और मैं आपसे ये स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो अपने फोन से ही जो है वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, और फोन से ही ज्यादा जो है वो दिक्कत आ रही है लोगों को फॉर्म फिल करने में। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हो सके तो टाइम निकाल के अपना 15 या 20 मिनट टाइम निकाल के किसी साइबर कैफे में जाके उनसे जो है वो फॉर्म फिल करवा सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेस है लैपटॉप का घर पे तो आप वो भी कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्या कीजिए, आप 2-3 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद जो है वो आप आराम से फॉर्म फिल कर लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, 24th ऑफ मार्च को जो है यूपीएससी ने लास्ट डेट रखी हुई है। तो हाँ, ये है कि आप 24th ऑफ मार्च से 7 दिन पहले पहले जो है वो 7-10 दिन पहले पहले जो फॉर्म अपने भर लीजिए, ताकि आपको अपनी चॉइस का जो सेंटर है वो मिल जाए। तो ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात ये है कि फॉर्म फिल कैसे करना है जिन लोगों को दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करने में खुद, तो खुद भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूपीएससी की साइट खोली है, तो आपको सिंपल क्या करना है, यूपीएससी की साइट पे जाना है, upsc.government.in, उसमें जाके आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना है सिंपल। तो जब आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पे आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस। तो जब आप यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, आप न्यू टैब में जाएंगे, तो न्यू टैब में जाते ही आपको पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन जो है आपको पूरी पढ़ के यहाँ पे आपको उसको यस कर देना है। उसके बाद जो है वो आप अपना जो प्रोसेस है सारा वो कर सकते हैं। तो जैसे ही, और इसके साथ ही चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पे यस क्लिक करेंगे तो जब आप यहाँ पे चले गए तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, तो आप अपना नाम वगैरह सब यहाँ पे जो है वो फिल कर सकते हैं। ये तो आ गया फॉर्म वन। जब आप फॉर्म वन फिल कर लेंगे उसके बाद जो है वो आपको सेकंड फॉर्म फिल करना है। जब आप सेकंड फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद में जो आपकी एक रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास आई होगी उसको आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, उसको आपको यहाँ पे डालना है, और साथ ही अपनी डेट ऑफ बर्थ जो होगी आपकी वो आपने यहाँ पे डालनी है। और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए और इसको पूरा जो है वो देखिए, और जैसे जैसे मैंने बताया है आप उसको अपना फॉर्म भरिए। तो ऐसे पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 दिन बाद भी जो है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अभी साइट पे जो है वो काफी ज्यादा ओवरलोड हो गई है साइट, और इसी के कारण जो है वो काफी लोगों के फॉर्म जो है वो फिल नहीं हो पा रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा हो। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।